देखिए, जितनी महिलाएं बैठी हैं, इन्हें कोई काम धाम है नहीं, और ये बिल्कुल फंडिंग, इन्हें राजनीतिक पार्टी फंडिंग कर रहे हैं, विदेशों से फंडिंग हो रही है, फंडिंग को पैसा यहाँ खा रहे हैं बैठ के। इन्हें ना सीए के बारे में जानकारी है, और मैं फिर दावे के साथ कहता हूँ कि इनकी जिस दिन जाँच होगी, चाहे दिल्ली हो, चाहे बरेली हो, चाहे देवबंद हो, चाहे लखनऊ हो, इन्हें ठीक से इनके खिलाफ मुकदमे होंगे और जेल भेजा जाएगा, और भेजना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की अराजकता इन्होंने दिल्ली में पैदा की है, उस अराजकता को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सरजील इमाम ने तेज तरीके मुकदमा दर्ज हुआ, इसने ऐसी बात देखिए, सरजील इमाम जैसे के बारे में अगर मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसे लोगों को जो देश का बंटवारा करने की बात करते हो, देश को तोड़ने की बात करते हो, चौराहे पर खड़ा करके फांसी के फंदे पर लटका कर गोली मार देनी चाहिए। किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। अलीगढ़ में जो है सरकार बंद करने जा रही है यूनिवर्सिटी, देखिए सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, अगर कोई भी संस्था, कोई भी जगह अगर आतंकियों को शरण देने का काम करेगी, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाई जाएगी, तो हर हालत में बंद किया जाएगा और हर हालत में करना ही होगा।